दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सोनभद्र से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। अर्घनानंद आश्रम देखने को मिलेगा आपको, दुर्गा जी का मंदिर, फिर उसके बाद चुनार किला। जी, हम लोग रावर्सन से निकल चुके हैं, अभी रास्ते में हैं। अभी आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे आपको पूरा। देखिए, हम और मेरा दोस्त जा रहे हैं, जाने वाले हैं। ट्रेन थोड़ी लेट थी, 2 घंटे लेट थी, तो अभी यहाँ पे रावर्सन स्टेशन है, तो वहाँ पे लगभग ट्रेन आने वाली है। हाँ, ट्रेन वहीं 8:45 तक आएगी, हम लोग भी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। खाए पिए नहीं है, निकल लिए हैं बस घूमने के नाम पे। हाँ, कुछ खाए पिए नहीं है दोस्त, बस है रास्ते में सोच रहे हैं कुछ पैक करवा लेंगे। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी से पहले ट्रेन के पास पहुँचते हैं, फिर आपको देते हैं अपडेट। कहाँ पहुँची है दोस्तों? सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो देखिए यहीं पे केला खरीद रहे हैं हम। देखिए केला का रेट इतना ज़्यादा है दोस्तों, 60 रुपये दर्जन दे रहे हैं। ये देखिए केला मिल चुका है, अब हम चलते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं, चलिए साग कट रास्ता ले लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं, ये देखिए रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि वेयर इज माई ट्रेन पे ट्रेन का टाइम पहले दिखा रहा था, लेकिन ट्रेन आने वाली थी लेट। इस चक्कर में भाई हम लोग 1 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आए, और पता चला कि वो ट्रेन अभी 20 मिनट लेट है। आराम से यहाँ पर बैठ करके हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, दौड़ के भाई साहब हालत खराब है। अब इंतज़ार कर रहे हैं, अभी हो रहा है 8:50 हो रहा है, 9:06 का टाइम दिखा रहा है। देखिए 9:06 पे याद आती है सर। ये देखिए हम लोग आ गए हैं, फाइनली हमारी ट्रेन मिल चुकी है। बहुत ही दिक्कत हो गई यार, पता है क्या हुआ? अब एक टिकट टीटी वाले भैया मिल गए। अब वो यार, हम लोग ट्रेन लेट हो चुकी थी, भागते भागते पहुँचे। अब वो कहने लगे कि बताओ, चलो टिकट दिखाओ टिकट। अब टिकट हम लोग के पास तो था नहीं, लेकिन हम लोग टिकट लेने वाले थे। अब उस चक्कर में उनसे थोड़ी बहस हो गई, उसके बाद अभी टिकट लेके हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। अब ये देखिए मेरा दोस्त है, ये देखिए बाहर का नज़ारा है। ट्रेन बिल्कुल खाली है दोस्तों, ये कोई मेमू ट्रेन है, पूरी ट्रेन खाली। नॉर्मली इस रूट पे बस 2-3 ट्रेनें चलती हैं, और एक ट्रेन है ये जो यहाँ से जाती है, ये चोपन से जाती है वाराणसी। अभी तो हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग लगभग 11:30 बजे के आसपास में छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे। जाने के बाद वहाँ पे कुछ जगह घूमनी है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये मेरा दोस्त गया है वहाँ पे घूमने, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, तो दिखाएंगे आपको जो भी नई चीज़ है। किसी स्टेशन पे आके रुकी है ट्रेन, ये कोई लूसा स्टेशन है, ये देखिए छोटा सा कोई स्टेशन है। राहुल क्या हुआ भाई? हाय करो राहुल, हाय करो। ये कोई छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है, दूसरा स्टेशन है, पूरी ट्रेन खाली है, कुछ लोग हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्रेन निकल चुकी है अभी तुरंत निकली है स्टेशन से। बस अगला स्टेशन हमारा छत्तीसगढ़ ही है, छत्तीसगढ़ तो पहुँचने वाले हैं।
तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे, कौन सा किला है ये, कौन सा किला है ये, है छत्तीसगढ़ का अड़गड़ानंद आश्रम। ये देखिए भाई साफ सफाई तो बहुत अच्छी है। हाय करो हाय करो। ये देखिए ये एंट्री गेट के पास करते हैं, अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। गाइस हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर, कितना खूबसूरत है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पे। ये यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ आए हैं तो वहाँ पे फ़ोटो लेने से मना कर देते हैं, तो हम लोग ने फ़ोटो नहीं लिया वहाँ पे। ये देखिए ये एंट्री गेट के ठीक आगे का है। खूबसूरत है ये आश्रम, अगर इसको भी घूमना है तो बेहतरीन जगह है ये, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है बिल्कुल। देख रहा है, इसको गाय के बारे में बहुत जानकारी है। हाँ भाई क्या देख रहे हो? गौशाला अच्छा लगा? कौन सी गाय है ये सब? बहुत नस्ल की है। ये कौन सी गाय है? कौन सी? ये वाली जर्सी गाय। और ये वाली? ये गीत है। हेलो दोस्तों, तो अब आप देख के पहचान भी जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरा टूर करवाते हैं आपको। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पे। आ रहा हूँ